हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं आज क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे में। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देखे। आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। इस सेक्शन में, इस एक्सरसाइज में सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, उसी के बारे में हमको चर्चा करनी है। तो इसीलिए हम दो दो क्वेश्चन एक साथ लेके चल रहे हैं। छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है, इसलिए दो दो क्वेश्चन लिख दिए हैं। हल बारी बारी से किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। ABC एक त्रिभुज है, इसमें B समकोण है। भुजा AB बराबर BC बराबर 1, यानी कि भुजा AB और BC दोनों का मान 1 है। AB 1, BC 1 और AC का मान √2 है। तो साइन A, टेन C दो मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए सब कुछ दिया है। अगर हम साइन A की बात करते हैं तो ये कोण लेंगे। जब ये कोण लेंगे तो इसके सामने की भुजा, ये लंब, ये कर्ण, यानी कि साइन A बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब ना और ये कर्ण। कर्ण तो हमेशा अपरिवर्तित रहता है। BC बटे AC, BC का मान कितना है, 1 है, और AC का मान √2। ये हो गया tan C का मान। अब इधर हम कोण बदल गया, देखिए यहाँ पर A था, यहाँ पर C हो गया। अब ये C जब हो जाएगा, ये जब कोण हो जाएगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो टेन में क्या होता है, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का, ये हम लोग का चलता रहेगा। ठीक है, लाल बटे कक्का मैं यहां लिख दे रहा हूं। यहां लिख दूंगा तो सही रहेगा। तो अब टेन सी जब लेंगे, सी लेंगे तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण हो जाएगा। तो टेन में क्या होता है, देखिए लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे बी सी। अब AB और BC का जो मान है वो रख देते हैं, 1 बटे 1, यानी कि 1। यही दोनों क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का था। क्वेश्चन नंबर 6 छोटा छोटा है, इसीलिए हम दो दो क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि एक एक दो दो लाइन का सवाल है, तो दो दो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। यदि PQR में Q समकोण है, PQ 4 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर और PR 5 सेंटीमीटर हो, तो cos P, tan P तथा cos R के मान ज्ञात करने हैं। पहले तो P का है, तो यानी कि ये कोण लिया है। जब ये कोण लिया है तो इसके सामने की भुजा, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो cos P की जब बात करेंगे तो cos P क्या होता है, आधार बटा कर्ण। cos के लिए आधार बटा कर्ण, तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, यानी कि PQ बटे PR हो जाएगा। PQ बटे PR, PQ का मान कितना, 4, PR का मान कितना, 5। tan P कोण सेम है, यही, तो ये लंब, ये आधार, यानी कि tan P बराबर हो जाएगा QR बटे में PQ। QR 3 बटे में PQ 4, 3 बटे 4। और ये यहाँ पर ध्यान देंगे, ये कोण बदल गया इस बार। cos R के बात करेंगे तो अब ये कोण हो गया, ठीक है। जब ये कोण हो जाएगा तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो cos की बात करेंगे तो आधार बटे कर्ण, यानी कि QR बटे में PR। ये जो लाल बटे कक्का है ना, ये बहुत
काम की चीज़ है, इसको एकदम भूलना नहीं है, हर समय साथ देगा ये। तो कास आर बराबर क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर का मान कितना है 3, पी आर 5, तो ये हो गए सारे मान। क्वेश्चन नंबर 6 का भी हो गया। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। 7, 8, 2 क्वेश्चन हमने लिया है। देखिए इसमें साइन ए बराबर 1/11 दिया है, तो हमको जो शेष 2 ज्ञात करना है वो भी ए के कोण ए के सापेक्ष में ही ज्ञात करना है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण के सापेक्ष जो अनुपात ज्ञात करते हैं, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष जो अनुपात ज्ञात करते हैं उसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। तो शेष 2 की बात जो कर रहा है वो टेन और कास की बात कर रहा है, क्योंकि मुख्य रूप से साइन कॉस और टेन होता है, बाकी तो इसी से बन जाते हैं। तो बाकी इसी से बन नहीं जाते हैं, बल्कि इनके अनुपातों को ही हम अगर बदल दें, थोड़ा सा परिवर्तित कर दें, तो शेष 3 जो अन्य शेष 3 हैं वो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर साइन ए यानी कि इसकी बात कर रहा है, तो ये ए हो जाएगा, तो ये लंब और ये कर्ण, लाल बटे का से लंब बटे कर्ण साइन का होगा 1, ये हो जाएगा 11। तो 11 के वर्ग में से बी ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, देखिए ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी मतलब 11 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, 121 माइनस 1 120, तो ये हो जाएगा 30 गुणे 4 मीन्स 2√30। ये ए बी जो है तो यहाँ पर हम लिख दें ए बी 2√30, बी सी 1, ए सी 11। तो अब कास ए निकाल लें, कास ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार आधार क्या हो जाएगा, ये लंब ये आधार, तो ए बी बटे ए सी यानी कि ए बी कितना 2√30 और बटे ए सी 11 से। और अगला टेन ए, टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी बी सी बटे ए बी, बी सी बटे बी सी कितना 1, ए बी कितना 2√30। ठीक, तो ये 2 आंसर हो जाएंगे। इसमें कोण बी दिया है, इसकी बात कर रहा है, तो बी दिया है, तो बी के अलावा ए और सी में कोई भी एक समकोण हो सकता है, हम जो यहाँ पे ए लिखे हैं यहाँ पर सी भी हो सकता है, बस बी नहीं होगा, क्योंकि बी का मान दिया हुआ है तो बी समकोण नहीं हो सकता है। तो चलिए बी दिया है, तो ये लंब ये आधार ये कर्ण यानी कि कास बी बराबर ये हो जाएगा ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, दिस इम्प्लाइज ए बी बराबर 12, बी सी बराबर 13, ए बी 12, बी सी 13, ए सी, ए सी क्या होगा, बी सी के वर्ग में से ए बी के वर्ग को घटाएंगे यानी कि 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 169 माइनस 144 कितना हो गया 25 यानी कि 5।
इसी में निकल गया। अब निकाल लें कास बी के साथ साइन बी, साइन बी मतलब कि लंबटे कर्ण ए सी बटा बी सी, ए सी 5 बी सी 13 ठीक है। टेन बी यहाँ पर हम जैसे बी दिया है तो बी का ही निकालेंगे, टेन बी लंबटे आधार यानी ए सी बटा ए बी, ए सी 5 ए बी 12, ये दो आंसर हो जाएगा ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉस थीटा बराबर 2/5, 10 अभी नहीं देखते हैं, कॉस थीटा बराबर 2/5 दे दिया है, तो मान लेते हैं कोण ए जो है थीटा है, तो ये थीटा है तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण यानी कि ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, और ये मान कितना है 2/5, दिस इम्प्लाइज ए बी बराबर 2 ए सी बराबर 5, ए बी ए सी बी सी नहीं पता है तो बी सी बराबर क्या होगा, इसके वर्ग में से इसके वर्ग को घटाएंगे, कर्ण में से कर्ण के वर्ग में से एक भुजा का वर्ग घटाएंगे, ए सी कितना है 5 का वर्ग माइनस ए बी कितना है 2 का वर्ग, कितना हो जाएगा 25 - 4 मीन्स अंडर रूट 21 हो गया है, इतना मान निकल गया। अब तो तीनों ए बी ए सी बी सी सब पता हो गया, तो अब साइन थीटा और टेन थीटा हमको ज्ञात करना है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी बी सी बटे ए सी, बी सी कितना अंडर रूट 21, ए सी 5 और टेन थीटा लंब बटे आधार बी सी बटे ए बी, बी सी अंडर रूट 21 ए बी 2, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में साइन ए बराबर 3/4, ये ए लेंगे तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो साइन ए बराबर होगा कितना, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है ना, तो बी सी बटे ए सी, और ये मान कितना है 3/4, दिस इम्प्लाइज बी सी बराबर 3 ए सी बराबर 4 ठीक है। ये भुजा निकल गया, अब ए बी सॉरी ए सी और बी सी निकला है, हाँ तो ए बी निकालना है ना, तो ए बी क्या होगा, ए बी बराबर ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग, ए सी मतलब 4 का वर्ग माइनस बी सी 3 का वर्ग, ये हो जाएगा 16 - 9 कितना हो जाएगा 7 ठीक है। तो अब साइन ए का मान दिया हुआ है तो टेन ए कॉस ए निकालना है, तो पहले कॉस ए निकाल लें, कॉस ए आधार बटे कर्ण यानी ए बी बटे ए सी, ए बी अंडर रूट 7 और ए सी 4, इसी तरह से टेन ए का भी निकालेंगे, लंब बटे आधार बी सी बटे ए बी, बी सी का मान कितना 3, ए बी ये 11, टेन सी बराबर 1/3, तो कॉस सी और साइन सी का मान पूछ रहा है, इस बार ये लिया है टेन सी, तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण यानी टेन सी बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी, और इसका मान कितना है 1/3,
दिस इम्प्लाइज ए बी बराबर एक, बी सी बराबर तीन, ए बी बी सी हो गया, ए सी इस बार तो वर्गों का योग करेंगे, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मीन्स वन का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, तीन तरीके नौ एक दस, अंडर रूट दस हो गया। तीनों भुजा पता हो गया, अब मान निकाल दें। कासी बराबर देखिए लंब या आधार या कर्ण, तो बी सी बटा ए सी हो जाएगा, बी सी बटा ए सी, तो बी सी का मान तीन, ए सी अंडर रूट दस। टेन साइन सी, साइन सी लंब बटे कर्ण यानी ए बी बटा ए सी, ए बी एक, ए सी अंडर रूट दस, ये हो जाएगा दोनों आंसर। और इसमें बारे में ये टेन फाइव बराबर चालीस बटा दो नौ दिया है, तो मान लेते हैं कि ये फाइव है, तो ये अगर फाइव है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, यानी कि टेन फाइव बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए बी, और इसका मान कितना है चालीस बटे नौ। दिस इम्प्लाइज बी सी बराबर चालीस, ए सी बराबर नौ, इतना दिया हुआ है। अब क्या क्या दिया है, बी सी दिया है और ए सी दिया है, तो ए बी पता करना होगा, ए बी बराबर क्या होगा, कर्ण के वर्ग में से ए सी के वर्ग में से बी सी के वर्ग को घटाना होगा, हाँ बी सी बटा ए बी करना था, तो हम बी सी चालीस ए बी नौ, तो ए सी निकालना होगा आपको, ए सी का मतलब कि इसका इसका वर्ग करके जोड़ेंगे, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है ना, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, लंब हो गया, तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो ऐसे हो जाएगा बी सी मतलब 40 का वर्ग प्लस एस ए बी 9 का वर्ग, 1600 प्लस 81 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 1681, और इसका वर्गमूल होता है 41। तीनों भुजाओं का मान निकल गया, तो टेन फाई दिया है तो साइन फाई और कास फाई, शेष दो यही बचेंगे, साइन फाई और कास फाई, यानी कि हमको साइन फाई और कास फाई का मान निकालना है, तो साइन फाई मतलब लंब बटे कर्ण, बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी मीन्स बी सी चालीस बटा इकतालीस, और कास फाई, कास फाई क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी हो जाएगा, ए बी नौ और ये हो जाएगा इकतालीस, तो ये हो जाएगा दोनों आंसर। ठीक, छोटा छोटा था,